किसी रिश्तेदार का अगर केस लगे तो वो शख्स अगर जज हो या किसी अहम ओहदे पर तैनात हो तो अक्सर औकात वो केस खुद नहीं सुना करते। और यही मामूल है पूरी दुनिया में कि जजेस की ब्लॉक लिस्ट होती हैं, कि जजेस पहले ही दिन अपने चीफ जस्टिस को आगाह करते हैं कि फलां शख्स मेरा दोस्त है, फलां शख्स मेरा रिश्तेदार है, इसका कोई केस मेरी अदालत में ना लगाया जाए। ना सिर्फ ये, बल्कि बहुत सारे ऐसे जज साहिबान हैं जो कोई दूर का भी ताल्लुक हो, दूर का भी रिश्ता हो, तो वो इस बात का ख्याल करते हैं कि ऐसे किसी शख्स का केस उनके सामने ना आए। और ये वकला बरादरी में भी एक आम बात है कि उन वकीलों का पता होता है जिनकी किसी के साथ रिश्तेदारी होती है, अजती होती है, तो वकला बरादरी में भी ये आम बात है कि किसी ताल्लुक वाले जानने वाले का केस उस जज साहब के साथ सामने नहीं लगाया जाता जिनसे ऐसा कोई ताल्लुक किसी का हो। आज बहुत दुख और अफसोस हुआ बतौर कानून के तालिब इल्म के, जब 5 रुकनी बेंच का मुख्तसर फैसला पढ़ा ऑडियो लीक्स के ऊपर। मैं क्या कह सकता हूं कि आपकी अपनी सास हैं जिनकी वो ऑडियो है और आप ही उस बेंच को हेड कर रहे हैं, और उसके साथ साथ एक और जज साहब का उस ऑडियो में जिक्र है, मुनीब साहब का, वो भी उस बेंच का हिस्सा हैं। और आज इस ऑर्डर में कहा गया कि वो मुबैना ऑडियो है, उसकी तहकीक नहीं हुई कि वो ऑडियो असली है कि नहीं। तो कमीशन किस लिए बनाया गया था? जब जुडिशल कमीशन बनाया गया है वो इसी बात की तहकीक के लिए बनाया गया है कि ये ऑडियो असली थी कि नहीं थी। आपने उसी पे स्टे ऑर्डर दे दिया, और स्टे ऑर्डर देने के साथ साथ आपने उसकी कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ने दिया और उसको गैर कानूनी करार दे दिया। तो ये कहाँ का इंसाफ है कि आप अपनी सास का की ऑडियो का केस अपने पास लगाएं, उस पे स्टे दे दें, उस कमीशन को आगे चलने ना दें, उस कमीशन को तकनीकी बुनियादों पर रोक दें, और फिर कहें कि वो मुबैना ऑडियो थी, इस बात की तहकीक ही नहीं हुई कि वो मेरी सास थी कि नहीं थी। ये तहकीक तो उस कमीशन ने करनी थी। अव्वल तो आपको इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था, और अब 16 सितंबर से पहले जाने से पहले आप ये ऑडियो लीक्स का कोई ना कोई फैसला करना चाहते हैं, हमें अंदाजा है। मगर वो कहते हैं जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट मैनिफेस्टली सीम टू बी डन। इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, इंसाफ होता नजर आना चाहिए। आप किसी और जज साहब की सरबराई में बेंच बना देते, आप मुनीब साहब जिनका वो जिक्र कर रही हैं कि मैंने मुनीब को भी मैसेज किया है कि लाखों लोग हैं तरीके इंसाफ के जलसे में और ये दुआएं दे रहे हैं, तो इनके हक में फैसले करने हैं। जब इस तरह की ऑडियो में एक और जज साहब का जिक्र है, उनको तो रजाकाराना तौर पे बेंच से अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए थी। अब आप खुद जज हैं, आपकी सास का मामला है, बेंच को आप हेड कर रहे हैं, एक और जज साहब जिनका ऑडियो में जिक्र है वो बेंच का हिस्सा हैं, तो इंसाफ क्या होना है? और ये किसने तहकीक करनी है कि ये ऑडियो असली थी कि नहीं थी? आपने ये सवाल भी कर दिया, और आपने इलेक्शन का भी जिक्र कर दिया, यानी सास की ऑडियो के अलावा आपने सारी बातें की। इलेक्शन की पिटिशन के ऊपर आपने कहा स्पीकर्स की दरखास्तें आई थी, इलेक्शन 90 रोज में होने चाहिए थे, इलेक्शंस में ये कवायद और जवाबित हैं जो पूरे हो गए थे तो ये इलेक्शन हो जाने चाहिए थे। फैसला ऑडियो लीक्स का है, पूरी कौम इस बात पे परेशान है कि ये ऑडियो लीक्स का इलेक्शन से क्या ताल्लुक है। और इलेक्शंस का जो आपने जिक्र किया है, काश आप ऑडियो लीक्स का जिक्र करते और बताते कि ये क्योंकि मेरी सास का मामला है, मैंने बेंच से अलहदगी इख्तियार की है और मैंने नया बेंच बनाया है। ऐसा नहीं हुआ। फिर आपने कहा कि उस वक्त की हुकूमत ने बदनीति पर मबनी ये कमीशन बनाया था, तहकीक हो जाती और अगर आपकी सास बेगुनाह होती, उन्होंने कोई गलत काम ना किया होता और वो जलसों में ना जा रही होती और जलसों में जाके आपको एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफदारी की तलकीन ना कर रही होती, आपके साथी जजेस से राबते में ना होती, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, वो एग्जॉनरेट हो जाती, वो बाइज्जत बरी हो जाती, उनके हक में फैसला आ जाता।
मगर आपने कवर अप किया, आपने उसको उसकी तहकीक होने ही नहीं दी, और फिर आपने कहा कि उस वक्त की हुकूमत ने इल्जाम लगाए हैं, हमने तो कमीशन बनाया था कि अगर बेगुनाह है तो बेगुनाह साबित हो जाएंगी, आपने वो कमीशन आगे नहीं चलने दिया, अपने ही हक में जो चीफ जस्टिस फैसला करे अब क्या कह सकते हैं। और आपने कहा कि उस वक्त की हुकूमत के वुजरा ने तोहीन अदालत की, और तोहीन अदालत इस तरह की कि जजेस को कहा कि आप बेंच से अलहदा हो जाएं। ये पहली दफा सुना है कि आप अगर एक दरख्वास्त डालें किसी भी कोर्ट के सामने कि फलां जज साहब इस बेंच से अलहदा हो जाए, वो तोहीन के जुमरे में आता है। तो जब आपके अपने जजेस ने आपको वन मैन शो कहा, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जब आपके अपने साथी जजेस ने आप पे एतराजात उठाए, आप पर खदशात का इजहार किया और मुख्तलिफ बेंचों से अलहदगी इख्तियार करते रहे, उस बारे में आपका क्या ख्याल है? आपको बंदयाल साहब ने तो नहीं भेजा। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ मौकों के ऊपर फुल कोर्ट बनाने की भी इस्तदा मुस्तरद होती रही, और मुख्तलिफ मौकों के ऊपर इसको इम्पीरियल कोर्ट कहा गया। इम्पीरियल कोर्ट हमने नहीं कहा था, वन मैन शो हमने नहीं कहा था, आपके ही साथी जजेस ने तहरीरी फैसलों में कहा कि ये वन मैन शो है, ये इम्पीरियल कोर्ट है। आपकी कोर्ट में इतनी बुरी तकसीम थी कि आप फुल कोर्ट ना बना सके, ना तमाम जजेस को अपने साथ बिठा सके, क्योंकि एक लॉबी क्रिएट हो गई हुई थी। मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का करप्शन का केस आया था, आप उनको इम्पोर्टेंस देते रहे, आप उनको मुख्तलिफ बेंचों का हिस्सा बनाते रहे, उनका रेफरेंस समाज के लिए मुकर्रर आपने नहीं किया, उनको आपकी प्रोटेक्शन हासिल थी। आपके साथी जजेस ये जानते थे कि ये करप्शन में मुलविस हैं, मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, आपने फिर भी कोई उनके खिलाफ एक्शन ना लिया। जब फुल कोर्ट बनाने का कहा गया, फुल कोर्ट बनाना दूर की बात, आप फुल कोर्ट मीटिंग नहीं कर सके। हमने ये भी इस्तदा की कि कौम तकसीम है, सियासत इंतशार का शिकार है, खुदारा हम हाथ जोड़ के आपसे ये इल्तजा करते हैं कि फुल कोर्ट मीटिंग बुला के कोर्ट को मुत्तहिद कर दें। आपसे ये भी ना हुआ कि आप एक फुल कोर्ट मीटिंग बुला लेते और फुल कोर्ट मीटिंग बुला के उस मामले को किसी तरफ लगा देते, और फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने में क्या हर्ज था। मगर अफसोस की बात यह है कि फुल कोर्ट मीटिंग ना बुलाई गई, साथी जजेस के खदशात को दूर ना किया गया, और जब कानून साजी की गई कि जो बेंच बनने जा रहे हैं, जो बेंचेस बनने चाहिए, क्योंकि चीफ जस्टिस इज वन अमंग इक्वल्स, वो इंतजामी तौर पे एक पोजीशन है, वरना तमाम जजेस बराबर हैं, तो आपको कहा गया कि आप मेहरबानी फरमा के, क्योंकि तमाम जजेस बराबर हैं, कानून बन चुका है कि सीनियर मोस्ट तीन जजेस बेंचेस की तश्कील दिया करेंगे, इंतजामी उमूर पे फैसले दिया करेंगे, आपने वो भी जहमत गवारा ना की कि आप उस कानून को मान लेते। उस कानून को मार्ज वजूद में आने से पहले ही आपने उड़ा दिया, उसको पहले ही आपने कलदम करार दे दिया, वो अभी कानून की शक्ल उसने इख्तियार नहीं की थी। तो ये बहुत अफसोसनाक है कि आज आप जो फैसला दिया है, आपने पिछली हुकूमत पे भी इल्जाम लगाए हैं, वज़रा पे भी लगाए हैं, मगर अपनी सास की बात नहीं की कि उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट थी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ। और ऑडियो लीक्स पे मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की ऑडियो मौजूद है परवेज़ इलाही साहब के साथ, उस पर बात नहीं की, और इस सारे मामले को घुटमुट करके और रिक्यूज़ल को तोहीन के ज़ुमरे में ला के कि किसी को अगर कहा जाए कि आप माजरत कर लें क्योंकि आपका किसी से ताल्लुक़ है इस केस में, उसको तोहीन के ज़ुमरे में ला के आपने मामले को रफा दफा कर दिया। तो ऑडियो लीक्स का फैसला तो होना है इस मुल्क में कभी ना कभी, दूध का दूध पानी का पानी होना है। आप इलेक्शन के पीछे छुपें, आप तोहीन के पीछे छुपें, या आप ये कहें कि ये ऑडियो लीक कमीशन बन नहीं सकता था, आप जितने मर्जी बहाने ढूंढ ले, आज आपने बहुत बड़ा एनआरओ दिया है अपनी सास को, और ये जुडिशियल एनआरओ, दिस इज द मदर ऑफ ऑल एनआरओज विच हैज बीन गिवन टू अ मदर इन लॉ। ये मैं रिपीट कर देता हूं,
ये जुडिशियल एनआरओ एक बहुत बड़ा एनआरओ दिया गया है, विच इज द मदर ऑफ ऑल एनआरओस फॉर द बेनिफिट ऑफ अ मदर इन लॉ, यानी ये मां है तमाम एनआरओस की जो सासू मां के लिए किया गया है। इंसाफ भी करा सकते थे, किसी कोई और जजेस को इस मामले में बेंच को हेड भी करवा सकते थे, फुल कोर्ट भी बना सकते थे, कमीशन को इंक्वायरी करने भी दे सकते थे, मगर एनआरओ देना मकसूद था तो आपने वही किया जो एक अच्छे दामाद को करना चाहिए था।